तरीके से जमाने की कोशिश अब करनी है। आजकल आपने देखा होगा कि नई प्रथा चल रही है बीमारियों के अंदर, लोग बीमारी के लिए रुकते नहीं है। वेलनेस का काम जो चालू हो गया है, प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम जिसका काम अभी चालू हो गया है। लोग कहते हैं कि डायबिटीज होने के बाद, हार्ट डिजीज होने के बाद, ऑपरेशंस के लिए आप जाने के बाद फिर आप उसका उपचार करते हो, उसके पहले ही करना शुरू कर दो तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब ज्योतिष विद्या अगर आपको ये बता देती है और बता के उसके ऊपर मंत्र का उच्चारण और फिर एलोपैथी को जोड़कर या होम्योपैथी या आयुर्वेद को जोड़ के आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे कई केसेस हैं जहाँ इसको सक्सेसफुली जमीन के ऊपर लाया गया। मैं तो आज इतना ही कहना चाहूँगी कि ये एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास को हमने जोड़ने की कोशिश की थी संस्कृत महाविद्यालय के साथ, जिस महाविद्यालय के अंदर हमने यंत्र के साथ, मंत्र के साथ वो तंत्र का भी एक प्रयोग करने की कोशिश की थी। वहाँ उनके कुंड, हवन के कुंड, अलग अलग किस्म के कुंड बनाने का काम किया था। मैं समझती हूँ कि आप आज उस स्थिति में हो जोशी जी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये तो आज का काम नहीं है, कल का काम नहीं है, तो सदियों के लिए चलेगा। और मैं समझती हूँ कि जब अपन एक ऐसी चीज़ को हाथ में ले लेते हैं तो उसको आगे ले जाने का काम किसी, ये नहीं होता कि भाई ये सरकार करती है तो दूसरी नहीं करेगी। मैं तो समझती हूँ कि सीमलेस उसको आगे ले जाने का अगर अपन काम करेंगे। अब आज मैं आपके सामने ये बात कह सकती हूँ क्योंकि आप नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं हो, और इसीलिए जब अखिलेश जी ने मुझे ये बताया कि जोशी जी आ रहे हैं, तो वैसे भी मैं आना चाह रही थी पर मैं और आतुर हुई। मैंने कहा कि फर्स्ट डायस किस में आपके साथ बैठने का मौका होगा, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। कि किसी पॉलिटिशियन के दिल के अंदर इतनी जगह हो कि वो दूसरों को भी अपने दुनिया के अंदर समेट सकता है, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जनरली हम लोग जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो ब्लिंकर्स हो जाते हैं। विधा का कोई संबंध किसी से नहीं है, विधा है ये तो डॉक्टर, मेडिसिन डॉक्टर और ज्योतिषी मिलके प्रूव कर रहे हैं। कोई हाइपोथेसिस सामने आ रही है तो इसके ऊपर कोई चीज कहना ठीक नहीं है। ठीक यही कि अच्छी विधा है, इस विधा का लाभ देश को मिले, नागरिकों को मिले, उसका प्रयोग किया गया है, उस प्रयोग के परिणाम अच्छे आएंगे और आने वाले समय में बृहद पैमाने पर काम हो सके। कि यहाँ चिकित्सा पद्धति तो होगी ही होगी, लेकिन चिकित्सा पद्धति के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के जातक के आने वाले मरीज के किस अंग में बीमारी है, वो किस रूप की है, उसका इलाज क्या चिकित्सा पद्धति से संभव है या मंत्र पद्धति से संभव है या वेद मंत्रों से संभव है या वनस्पति से संभव है, इसके ऊपर यहाँ पर सभी विषयों का हम समावेश करेंगे। और निश्चित रूप से अब तक का जितना मैंने देखा गया है, पाया गया है कि सब विषयों को जोड़ करके ये विश्व में पहला हॉस्पिटल है कि जो ज्योतिष, मेडिकल, आयुर्वेद, योग सबको मिला करके चलेगा। और मैं, मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से जो कल्पना वसुंधरा जी ने की थी, सीपी जोशी साहब ने कही है, उससे कई गुना आगे सफल होगा, ऐसी मेरी आशा है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। इसका क्या होगा? मैंने कहा डॉक्टर साहब, रोगी को देख के तो आप बता सकते हो, मैं रोगी को देख के कुछ नहीं बता सकता। मेरा रोगी उसका जन्म चक्र है, मैं उसको देखूंगा तो मैं बता सकता हूँ। तब उसका जन्म पत्र मंगवाया गया, उसको भी मैंने कहा कि इसकी भी सर्जरी होनी है। उसमें एक्सरे की रिपोर्ट ऐसी थी कि उसमें सर्जरी आवश्यक दिया। वो मंत्र से नहीं ठीक होंगे, वो तो चिकित्सा से ही ठीक करना पड़ेगा।